तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? ऐसा कहते हो आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नेहा ललित तिवारी पे। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 7 और हम हैं अभी अल्मोड़ा में, हम आ रखे हैं अल्मोड़ा में। तो आज हम जाने वाले हैं मंदिर, हम आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे। अभी हम रुके हैं अल्मोड़ा में, तो अल्मोड़ा में देख सकते हैं आप कैसा सीन हो रहा है यहाँ पर। हो रही है बारिश बहुत तेज़, अभी जो जाके बारिश बंद हो चुकी है। तो मैं आपको यहाँ का सीन दिखाती हूँ, बहुत ही मस्त हो रहा है। चलो चलते हैं फिर। तो यहाँ पर हो रही है बारिश, देख सकते हो आप, यह है अल्मोड़ा का व्यू। और यहाँ पर अभी कोहरा लग चुका है, ऐसा हो रहा है यहाँ पर, यहाँ की। और अल्मोड़ा में मैं आज फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। यहाँ का जो रात का व्यू होता है बहुत ही अमेजिंग, देखने के बहुत ही अच्छा है। रात का तो मैं दिखा नहीं पाई, पर मैं अभी दिखा रही हूँ क्योंकि अभी मंदिर जा रहे हैं, मंदिर के दर्शन करेंगे और आपको भी ले चलेंगे। ये हैं हमारे स्वामी जी जो कि तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, तो हम चलते हैं। दोस्तों आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा, हम चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं हम कहाँ कौन कौन से मंदिर जाएंगे और आपको दर्शन करेंगे। तो दोस्तों नंदा देवी मंदिर के हमने दर्शन कर चुके हैं, तो अब हम निकल चुके हैं चितई मंदिर के लिए, जो कि रास्ते में चितई मंदिर है यहाँ से 5 किलोमीटर। तो उससे पहले हम जाएंगे जागेश्वर धाम, जागेश्वर धाम यहाँ से 35 किलोमीटर है, तो पहले हम जागेश्वर धाम के दर्शन तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम, हमने यहाँ पे पहुंच के पूजा पाठ भी कर ली है। और हम अभी और यहाँ पे रास्ते में बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, यहाँ पे बारिश भी हो रही है, तो मैंने स्वेटर भी पहन चुकी हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है बुरा मतलब ठंडा, रास्ते में बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत बारिश, जैसे ठंड के दिनों में होता है जनवरी फरवरी में वैसा ही मौसम हो रहा है। हमने तो सब कुछ पहुँच गया है जागेश्वर धाम, आपको हमें यहाँ की कुछ वीडियो दिखाते हैं, यहाँ का मंदिर दिखाते हैं मैं आपको। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत ज़्यादा प्यारा, और जगह जगह पे और यहाँ पे बहुत भीड़ हो रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये है प्राचीनतम एवं मुख्य मंदिर श्री महामृत्युंजय मंदिर, यहाँ ये अंदर जो है प्राचीन मंदिर है, इसी के मुख्य दर्शन जो होते हैं इसके अंदर ही होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कितनी बहुत लंबी लाइन लगी है, लाइन में खड़ा रहना पड़ा है, इतनी भीड़ लगी लग चुकी है यहाँ पर। यहाँ से देख सकते हो वहाँ से घूम के अंदर जाना है, बहुत लंबी लाइन लगी है, लाइन में लगना पड़ रहा है तब जाके दर्शन हो रहे हैं अंदर। और वहाँ पर जो है वो कर रहे हैं, वहाँ पर शिवार्चन करवा रहे हैं, अंदर भी करवा रहे हैं, अंदर सारा फुल हो चुका है, अंदर भीड़ हो रही है, तो यहाँ पे बाहर पे शिवार्चन करवा रहे हैं, जगह जगह पे शिवार्चन करवा रहे हैं, वहाँ पे भी करवा रहे हैं। Thank you.
गोल जी के मंदिर में, गोल जी के चिताई मंदिर में, तो देख सकते हो आप इतनी भीड़ लगी है यहाँ पे, हर जगह भीड़ ही भीड़ हो रखी है। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोग खड़े हुए हैं। ये है यहाँ का गोल जी के चिताई मंदिर में न्याय के देवता गोल जी देवता। यहाँ भी भीड़ लगी है, यहाँ हम आ चुके हैं, हमने दर्शन कर लिए हैं, तो हम चल रहे हैं घर को। यहाँ जिनकी जो अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं, यहाँ पर चिट्ठियाँ लगा के जाते हैं, यहाँ इतनी सारी चिट्ठियाँ लगा के गए अपनी मन की बात लिख, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए इतनी सारी चिट्ठियाँ लिख के गए हैं। हम पहुँच चुके हैं अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा का अभी कुछ सीन हो रहा है ऐसा, बादल लग चुके हैं, बारिश वाला मौसम हो रहा है, बस बारिश के छींटे आ रहे हैं, बूंदें गिर रही हैं, देख सकते हैं आप। अभी ये अल्मोड़ा का सीन बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये व्यू, ये नीचे का अल्मोड़ा। अभी हम अल्मोड़ा को जा रहे हैं, फिर दिखाते हैं आपको नीचे का सीन। तो दोस्तों अब हम चले गए घर को, मैं आपको अल्मोड़ा का नीचे का सीन, बाजार का सीन नहीं दिखा पाई क्योंकि वहाँ पर हो रही थी बारिश, बारिश में हम रुक नहीं सकते थे, अगर हम रुकते तो हम वहीं पर रह जाते क्योंकि हमें तो घर को निकलना था, इसलिए हम घर को आ चुके हैं। रास्ते में बारिश हो रही थी, हम भीगते भीगते। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं कच्ची धाम मंदिर, हम नीचे मंदिर बने हुए हैं, हमने दर्शन ऐसे कर लिए क्योंकि अभी लगी है बहुत तेज़ बारिश, और जाम लगा है इस हमारी बाइक है, तो हम साइड साइड निकल ले रहे हैं, और जिन लोगों के नेक्स है कार वगैरह वो लोग देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगती है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जूली कोट, जूली कोट में ये पायलट बाबा का आश्रम, बहुत ही अंदर जा सकते हैं वीडियो बनाने, बाहर से दिखा देते हैं हम आपको शिव, ये शिव जी की फ़ोटो, और ये भोले शंकर गौरा माता गणेश जी महाराज, ये यहाँ पे, और ये देख सकते हैं आप बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अभी कोहरा लगा है तो इतना साफ दिख नहीं रहा है, फिर भी बहुत ही प्यारा लग रहा है सीन आपको, अंदर का सीन ये देख सकते हैं आप, यहीं से दिखा सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा अंदर का सीन। चलो चलो दोस्तों, देख सकते हो आप यहाँ कोहरे से पूरा बंद हो चुका है, रोड भी नहीं दिख रही अब तो हमें, आपको पता ही चलेगा मौसम, गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में ये देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे, और बज चुके हैं 7:30 बज चुके हैं, और मौसम का ऐसा हाल हो रखा है यहाँ पे। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं हल्द्वानी, और हल्द्वानी में है वो झमाझम बारिश, और यहाँ पर गर्मी के साथ साथ बारिश आनंद लेते हुए, गर्मी भी हो रही है बारिश भी हो रही है, पर बारिश का कोई असर नहीं पड़ रहा है, पहाड़ों में कितनी बारिश होती। बाय बाय हल्द्वानी, हम चले अपनी गली की ओर।